अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए. गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं, तो आप कुछ गुनाह नहीं करते. रुक, तेरे को बताते मनुस्मृति अध्याय 5. जीवन में आहार भिन्न भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व. भोजन का मनुष्य के तन मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है. लोक शैली में कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन. शास्त्रों में भी व्यवहार की शुद्धता को आवश्यक मानते हुए कहा गया है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, मनुष्य के आहार के अनुरूप ही उसके विचार होते हैं और तदनुरूप ही उसका आचरण होता है. अभिप्राय यह है कि हमारा समग्र जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं और क्या त्यागते हैं. ऋषि लहसुन प्याज शलगम को दुपाज उत्कृष्ट जीवन के अभिलाषी के लिए अवक्ष मानते हैं. मलिन अशुद्ध जल और मलिन मिट्टी के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल आदि तो किसी भी व्यक्ति को नहीं खाने चाहिए. यानी हमारा शरीर तो रोगग्रस्त होता ही है, हमारे विचारों में भी प्रदूषण आता है. दूध भी केवल गाय भैंस का ही लेना चाहिए, अन्य प्राणियों का दूध पूरी तरह वर्जित है. मांस भक्षण भी नहीं करना चाहिए, हिंसक मूलक होने से यह पूरी तरह पाप है. भक्ष पदार्थों की चर्चा करते हुए ऋषि कहते हैं कि दही और दूध से बनने वाले सभी पदार्थ छाछ मक्खन आदि खाने योग्य हैं और हितकारी तथा गुणकारी भी हैं. शुद्ध मिट्टी एवं शुद्ध जल से पैदा किए गए अन्न आदि ही ग्रहण करने चाहिए. आज फल सब्जियां गंदे नाले पानी से सिंचित कर उगाई जा रही हैं, इन्हें भूल कर भी नहीं देनी चाहिए. मिट्टी एवं जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ हमारे तन मन को प्रदूषित करते हैं. कुछ भी शास्त्र धर्म की आड़ लेकर के यह मात्र एक पशुवध करने का तरीका है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं बोला गया है कि आप किसी दूसरे जीव की हत्या करके उसका भक्षण करें. यह सरासर गलत है और इतनी भीड़ और इतनी जनता जो खड़े होकर सुन रही है, यह अनुसरण करते हुए सभी लोग एक सेकंड में हजारों लाखों पशुओं का वध करते हैं. तो इस